हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ए टू जेड टीच माइंड। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ आयत के बारे में, और आयत के अंदर क्षेत्रफल और उसके परिमाप के बारे में, और इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आयत के बारे में बात करते हैं कि आयत किसको बोलेंगे। तो आयत होने के लिए क्या होना चाहिए? तो चतुर्भुज, वह चतुर्भुज को बोलेंगे आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए और प्रत्येक को 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसका आकृति बना लेते हैं। दोस्तों, क्या होना चाहिए? आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों एक आयत, जो कि ये भुजा है इसके बराबर होगा, और ये भुजा इसके बराबर होगा, और प्रत्येक को 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा। समझ गए? तो अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो दोस्तों, यहाँ से यहाँ की दूरी को, इसको हम लंबाई बोलेंगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की चौड़ाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चौड़ाई। समझ गए ना? अब यहाँ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसको और इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ लिख देंगे लंबाई गुने चौड़ाई। ओके दोस्तों, समझ गए ना? यदि परिमाप पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दोस्तों, आप पूछोगे कि यही क्यों होगा? तो चलिए दोस्तों, आपको मैं ये क्या ऐसे फॉर्मूला बना करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों, परिमाप किसको बोलते हैं? घेरा को। यदि चारों भुजा को हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ये परिमाप हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि ये यहाँ से यहाँ की चौड़ाई बोलेंगे तो यहाँ से इसको भी हम चौड़ाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चौड़ाई। यहाँ से यहाँ की दूरी को हम अगर हम लंबाई बोलेंगे तो ऊपर वाले भी, इसको भी हम लंबाई बोलेंगे, ठीक है, समझिए ना? अब देखिए, परिमाप तो उसको बोला जाता है, यदि हम चारों भुजा को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा परिमाप। तो चलिए हम दोस्तों चारों भुजा को जोड़ते हैं, तो ये क्या है? चौड़ाई। तो परिमाप बराबर जो हो जाएगा दोस्तों, परिमाप बराबर जो हो जाएगा, ये चौड़ाई, चौड़ाई प्लस ये लंबाई, लंबाई प्लस फिर ये चौड़ाई, इसको भी जोड़ देंगे और ये भी लंबाई जोड़ देंगे। तो मतलब दोस्तों, चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई, इसी को तो हम परिमाप बोलेंगे ना। अब देखिए दोस्तों, चौड़ाई प्लस लंबाई और लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई प्लस लंबाई है, तो इसको जोड़ दीजिए। तो दोस्तों, या तो आप कॉमन कर सकते हैं, जोड़ दीजिए। देखिए, हम इसको जोड़ देते हैं, एक चौड़ाई कितना हो गया? 2 चौड़ाई, राइट, कितना हो गया? 2 चौड़ाई प्लस एक लंबाई यहाँ है, एक लंबाई यहाँ है, तो 2 लंबाई हो गया, हुआ कि नहीं? अब देखिए दोस्तों, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या करेंगे? कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, 2 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा चौड़ाई और यहाँ बच जाएगा लंबाई। तो दोस्तों, क्या पहले लंबाई लिख लेते हैं, लंबाई, और उसके बाद चौड़ाई लिख लेते हैं, चौड़ाई, है कि नहीं? तो क्या हो गया? बराबर जो हो गया 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। फॉर्मूला तो यही है ना, यहाँ क्या है? यहाँ फॉर्मूला लिखा, परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपसे कोई पूछे कि ये यही क्यों होगा, तो आप ये दिखा देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि दोस्तों देखो ये ऐसा आया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। यदि किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो कॉमेंट कर दीजिएगा जरूर। थैंक यू।